अगर आप क्रिकेट के लेटेस्ट अपडेट पाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें क्रिकेट सुपर डुपर फैन यूट्यूब चैनल को और प्रेस करें बेल के आइकॉन को लेटेस्ट क्रिकेट अपडेट पाएं सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिकेट सुपर डुपर फैन। दोस्त, आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले पहले T20 मैच के बारे में, जो कि 24 अक्टूबर को खेला जाएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान की प्लेइंग 11 के बारे में बात करेंगे, यानी वो कौन से 11 खिलाड़ी पाकिस्तान की जानब से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले T20 मैच में खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। और साथ ही दोस्तों, आपको बताएंगे कि पहला T20 मैच कब और कहाँ और कौन से स्टेडियम में खेला जाएगा और कितने बजे से स्टार्ट होगा। और साथ ही दोस्तों, मैच प्रीव्यू की बात करेंगे। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहें। दोस्तों, प्लेइंग 11 की बात करने से पहले मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला T20 मैच, जो कि 24 अक्टूबर को वेंसडे के दिन खेला जाएगा, जो कि यह मैच अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में खेला जाएगा और शाम के 8 बजे स्टार्ट होगा, यानी 8 PM पे स्टार्ट होगा पाकिस्तान टाइम के मुताबिक। और वहीं हम बात करें इंडिया टाइम के मुताबिक तो ये मैच 8:30 PM पे स्टार्ट होगा। दोस्तों, अगर हम बात करें पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, जो कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीत कर आई है, जिससे उसके हौसले काफ़ी बुलंद होंगे। और वही पाकिस्तान क्रिकेट टीम, जो कि T20 की सबसे बेहतरीन और ज़बरदस्त टीम है और ICC T20 रैंकिंग में पाकिस्तान पहले स्पॉट पर है और T20 में ज़बरदस्त और कमाल की परफॉर्मेंस पेश कर रही है पाकिस्तान क्रिकेट टीम। दोस्तों, वही अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम की, जो कि ज़बरदस्त और बेहतरीन परफॉर्मेंस पेश कर रही है, जो कि एक बेहतरीन और टफ कॉम्पिटिटर है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए। उनके पास ज़बरदस्त और बेहतरीन बैटिंग लाइनअप के साथ साथ बेहतरीन बॉलिंग भी मौजूद है। तो ऐसे में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला T20 मैच ज़बरदस्त और कमाल का होने वाला है। दोस्तों, चलिए बात करते हैं प्लेइंग 11 की, यानी वो कौन से 11 खिलाड़ी पाकिस्तान की जानिब से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले T20 मैच में खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। दोस्तों, अगर बात कीजिए सलामी जोड़े की, यानी ओपन की, तो नंबर एक पे होंगे फ़खर जमान, पाकिस्तान के ज़बरदस्त और बेहतरीन विस्फोटक बल्लेबाज, जो कि ज़बरदस्त और बेहतरीन फॉर्म से गुजर रहे हैं, जो कि पाकिस्तान बैटिंग के लिए ज्ञानी माने जाते हैं। दोस्तों, अगर बात कीजिए दूसरे नंबर की, तो दूसरे नंबर पर होंगे बाबर आजम, जो कि करंटली T20 में पाकिस्तान की जानिब से ओपनिंग करते हैं और ज़बरदस्त और बेहतरीन बैटिंग करते हैं। तो फ़खर जमान और बाबर आजम ही पाकिस्तान की जानिब से ओपनिंग करते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों, अगर बात कीजिए तीसरे नंबर की, तो तीसरे नंबर पर होंगे हुसैन तालात, जो कि राउंडर है, जो कि ज़बरदस्त और बेहतरीन बैटिंग करते हैं और के साथ साथ बेहतरीन बॉलिंग भी करते हैं। दोस्तों, अगर बात की जाए चौथे नंबर की, तो चौथे नंबर पे होंगे कप्तान सरफराज अहमद, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कप्तानी करेंगे, जो कि ज़बरदस्त और बेहतरीन फॉर्म से गुजर रहे हैं। दोस्तों, अगर बात की जाए पाँचवें नंबर की, तो पाँचवें नंबर पर होंगे ऑलराउंडर शुएब मलिक, जो कि ज़बरदस्त और बेहतरीन बैटिंग करते हैं। दोस्तों, अगर बात की जाए छठे नंबर की, तो छठे नंबर पर दो प्लेयरों का नाम सामने आते हैं। पहले नंबर पर आसिफ अली, जो कि यंग टैलेंट है, जो कि ज़बरदस्त और बेहतरीन स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हैं। और दूसरे नंबर पर मोहम्मद हफीज़, जो कि ऑलराउंडर है, जो कि भी बेहतरीन और ज़बरदस्त तरीके से इनिंग को फिनिश करते हैं। दोस्तों, मोहम्मद हफीज़ और आसिफ अली में किसी एक को खिलाया जाएगा छठे नंबर पर। दोस्तों अगर बात की जाए नंबर 8 की, तो नंबर 8 पे होंगे शादाब खान, पाकिस्तान के ज़बरदस्त और बेहतरीन लेग स्पिनर, जो कि उसके साथ साथ बेहतरीन बैटिंग भी करते हैं। दोस्तों, अगर बात की जाए नंबर 9 की, तो नंबर 9 पे होंगे इमाद वसीम, जो कि कम बैक कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, जो कि बेहतरीन ऑलराउंडर है, जो कि बेहतरीन स्पिन गेंदबाजी के साथ साथ बेहतरीन बैटिंग भी करते हैं। दोस्तों, अगर बात की जाए नंबर 10 की, तो नंबर 10 पे होंगे हसन अली, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ज़बरदस्त और बेहतरीन फास्ट बॉलर। दोस्तों, अगर बात की जाए 11वें नंबर की, तो 11वें नंबर पे होंगे शाहिन शाह आफरीदी, पाकिस्तान के ज़बरदस्त और बेहतरीन यंग गेंदबाज। दोस्तों, ये 11 खिलाड़ी जो कि पाकिस्तान की जानिब से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले T20 मैच में खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं, जिसमें ज़्यादा चेंजेस होने का इम्कान नहीं है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपने राय विचार का इजहार जरूर करें कि वो कौन सी प्लेइंग 11 होनी चाहिए पाकिस्तान की जानिब से और कौन सी टीम पहला T20 मैच जीतेगी।